एक कारण तो ये है दोस्तों, पहाड़ों में खेती नहीं हो रही है आजकल। एक तो बारिश नहीं हो रही है, एक तो लोगों के पास सिंचाई के साधन, बिना पानी के खेती कैसे होगी। दूसरा कारण है जंगली जानवरों का बहुत ही ज्यादा खतरनाक आतंक फैल चुका है। हेलो पंडित, फाइनली दोस्तों हमने सोचा पंडित जी आएंगे फिर हम चंबछर सुनेंगे, बट पंडित जी नहीं आए। घर में चंबछर में खेती भी कुछ नहीं हो रही है, पहाड़ों में रूखा सूखा होने लग गया है। तो पहले दोस्तों लोगों के घर में खाने के लिए हो जाता था, बट आजकल लोग खरीद के लेके आ रहे हैं दुकान से। क्यों हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नई सुबह से नए दिन से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल, मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पे, और आप सभी का भी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो दोस्तों अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले नहा के आ चुकी हूँ, नहा के पूजा पाठ भी कर ली है, टीका चंदन भी हो चुके हैं, क्योंकि आज है छंबछर। इस दिन हम जिसके मिट्टी वाले घर होते हैं लिपाई करके और पंडित जी आते हैं, उनके द्वारा हमको बताया जाता है कि छंबछर इस साल का ऐसा है करके। तो दोस्तों आज है नवरात्रि, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से। तो दोस्तों जो हिंदू होते हैं उनका आज से 9 वर्ष लगते हैं, नया साल लगते हैं यानी कि। तो आप सभी को हिंदू 9 वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिर दोस्तों आपको दिखाते हैं एक बार आज का मौसम। आज के मौसम की बात करी जाए तो देखिए गाइस, प्यारी सी धूप आ रखी है मस्त वाली। भैया की हो रही है नहाने की तैयारी। हेलो पंडित जी, खेत पाती आज पंडित जी नाराज बुजुर्ग ताई जी के द्वारा भी बता दिया है थोड़ा बहुत, और मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो है नहीं। यहाँ पे दोस्तों ताऊ जी पानी डाल रहे हैं खेत में, अब इसमें क्या लगाओगे? मूली। अच्छा तभी पानी डाल रहे हो? हाँ दुकान से मूली लाया हूँ। अच्छा मूली का बीज। अच्छा कल मंगाया, इसमें सिंचाई करके फिर मूली बोएंगे। ये देखिए इतने छोटे से पेड़ पे भी फूल आने लग गए हैं नींबू के, इस बार ये पेड़ भी फल देना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए फूल आने लग गए, मैंने लगाया ना फिर वो। अच्छा हाँ, तब मेरे हाल का फल जल्दी लग जाता है। अच्छा हाँ। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर और आपको दिखाती हूँ, हमने अपने घर की लिपाई कर ली है। पापा भी अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं पूजा में, क्योंकि हमारे गांव में आज एक पूजा है। अब मम्मी गई है घास काटने, अभी तक नहीं पहुंची है, तो मुझे थाली तैयार करनी है यानी कि चावल और थोड़े बहुत पैसे वगैरह रख के। अभी थोड़ी देर में पंडित जी आएंगे तो उनको देना पड़ेगा, बेकर बोलते हैं जिसको। ये देखिए इतने मस्त वाले रोज। ये देखिए दोस्तों हमने अपने मिट्टी वाले घर की लिपाई भी कर ली है, देखिए। अब मैं थोड़ा सा चावल निकाल लूंगी बैकर देने के लिए। पहले के लोग तो धान वगैरह देते थे, बट आजकल चावल ही दे रहे हैं सभी। बैकर की थाली हो चुकी है रेडी। तो दोस्तों फाइनली पंडित जी का वेट करते करते थक चुके हैं, अभी तक पंडित जी नहीं आए छंबछर सुनाने के लिए, क्योंकि अभी हमने पंडित जी को फोन करा तो बोल रहे हैं कि किसी इमरजेंसी के कारण मैं घर चले गया हूँ, कल या एक दो दिन के बाद आऊंगा बोल रहे हैं। देखिए थाली भी ऐसी रह गई है। फाइनली दोस्तों हमने सोचा पंडित जी आएंगे फिर हम छंबछर सुनेंगे, बट पंडित जी नहीं आए, किसी कारणवश वो अपने घर चले गए हैं। तो ताई जी से पूछते हैं क्या होता है छंबछर में करके। क्यों जे जी छंबछर में? छंबछर में यो सुयो फल कदी लाग रो कदी रू क्यों कुने यो खेत पाते कैसे हूँ क्यों कब पूछने पर यो बढ़िया बरसा रो यो कुने गुण बनर कम लागून चूहा
अथा खाँ कौशाल चुहाले नून न लागून कून है खेत पाचों कून है घुरौल का गौर कौम लागौल कून है क्यों आप कि पंडित जो आए ना नंदी ने बार में पूछू ही या पूछू ही कहाँ भी आया ना दिन जनरल क्यों पूछी नंदी ने बार में कदी डबल कमू कदी खर्च कनू कू बम पंडित जो कून है इधे आय व्यय कराल इधे कमाल इधे खर्च वाल सब बहुत ऊन है क्यों ना ये खेत पात का शेल अजील का यश और लाल दान उन्हें शिवे दान जा दी उन्हें कोशाले कामों सब बता देनी भाई बामों बता बाम तब यो चम्बचर भाई बदर गए गुइस कर रही ना दे कर रही काम पंडित जो आया ना दे गरने जान बोल फोन करो गरने जान बोल पादो हदी नाला पर पूछून जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता रखा था कि आजकल पहाड़ों में थोड़ी बहुत खेती होने लगी है, तो यानी कि ताई जी लोगों ने मसूर निकाल दिए हैं, उसकी चुटाई भी कर ली है। ये ताई जी ने सारा चूर दिया है लकड़ी से, देखिए जंगली जानवरों ने खा रखा था, ऐसे निकाल के थोड़ा सा घर पे लेके आए हैं, तो थोड़ा एक दो दाल भी होगी। तो अभी हवा चली है तो हमको पंखे की जरूरत नहीं है, वैसी लगा रही है मम्मी, वरना दो लोगों के द्वारा चादर से लगाया जाता है, यानी कि एक सूप से ऐसा करता है और दो जने चादर से लगाते हैं। पहाड़ों की खेती ऐसी की जाती है, देखिए। चलिए फिर दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि आजकल पहाड़ों में खेती क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि गाइज बहुत ही जमाना खतरनाक आ चुका है। जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है। पहाड़ों में पहले से खाने पीने के लिए सारा कुछ हो जाता था, जैसे कि धान, गेहूं, सरसों, दाल वगैरह, तिल, जौ, सब कुछ हो जाता था। बट आजकल खेती होना बंद हो गया है, क्योंकि जब हमें बारिश चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है, जब हमको बारिश नहीं चाहिए तब हो रही है, जब हमें आवश्यकता होती है बारिश की तब बारिश बिल्कुल होना बंद कर दे रही है। लोगों के वहाँ तो सिंचाई के साधन होते हैं, मेरे मायके में ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे पानी के साधन नहीं होते हैं, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, नहर वगैरह नहीं होते हैं, वो लोग कैसे करेंगे अपने खेतों में सिंचाई? उनके खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा? बिना पानी के खेती कैसे होगी? यानी कि दोस्तों ये इंद्रदेव के भरोसा रहते हैं, जिनके वहाँ सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, उनके खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता है, वो होते हैं इंद्रदेव के भरोसे कि इंद्रदेव कब धरती में बारिश की बूंदों को प्रकट करेंगे, इसीलिए हमारी फसल अच्छी होगी। एक कारण तो ये है दोस्तों पहाड़ों में खेती नहीं हो रही है आजकल, एक तो बारिश नहीं हो रही है, एक तो लोगों के पास सिंचाई के साधन, नहर, पानी नहीं है। कहीं ऐसी जगह होती है पहाड़ों में पीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा होता है और सिंचाई करने के लिए भी होता है, बट कहीं ऐसा होता है पीने के लिए भी नहीं होता है और सिंचाई करने के लिए भी नहीं होता है। वोट देने टाइम तो आप लोग बोलते हो कि वोट दें हमें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप लोग ये देखिए, जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो वहाँ का विकास करिए, आगे बढ़ाइए गाँव को। जैसे कि बोला गया है जल ही जीवन है, जल नहीं हो जीवन मनुष्य का असंभव है, मनुष्य का भी जानवरों का भी। एक तो सबसे बड़ा कारण है बारिश नहीं हो रही है और पानी नहीं है, इसीलिए खेती नहीं हो रही है। दूसरा कारण है जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आतंक फैल चुका है। जंगली जानवर जंगल में नहीं रह रहे हैं, घर के आसपास आने लग गए हैं, खेतों में आने लग गए हैं, घर में जो भी हम सब्जी वगैरह बो रहे हैं उसको नहीं रहने दे रहे हैं, पूरा खा दे रहे हैं। और खेतों में किसी चीज़ की हम बुआई कर रहे हैं, जैसे कि धान, गेहूं, मसूर, तो जंगली जानवर आके पूरा आतंक मचा के पूरा खा दे रहे हैं, तो पहाड़ों का फसल ऐसी ही नहीं हो रहे हैं। अनेक परिवार ऐसे होते हैं दोस्तों जो घर पे ही रहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनके पास ऐसा कोई साधन भी नहीं होता है, वो किसके साथ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे बाहर, तो वो घर पे ही रह के अपने हाथ पैरों से अपनी मेहनत करके यानी कि साल भर का भोजन इकट्ठा करना चाहते हैं, बट वो भी नहीं हो रहा आजकल, क्योंकि पानी नहीं है, जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक फैल चुका है, जंगली जानवर जंगल में नहीं रह रहे हैं और घर के नज़दीक आने लग गए हैं,
आतंक फैलाने के लिए, और जो हम बुआई कर रहे हैं खेतों में उसको खाने के लिए, थोड़ा बहुत बिना बारिश के जो भी होता है उसको भी खा दे रहे हैं जंगली जानवर, क्योंकि जंगलों में भी पानी नहीं है, लोग पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, जंगलों को आग लगा दे रहे हैं, तो जंगली जानवर भी क्या खाएंगे जंगल में, वो भी आएंगे ही घर के नज़दीक खेतों में। तो यही सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए पहाड़ों में आजकल खेती नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। अकाल पड़ चुका है, बारिश भी नहीं हो रही है, जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है, और सिंचाई के साधन नहीं है लोगों के पास। तो आप लोग पिछड़े गांवों को आगे बढ़ाइए सरकार को बोल के, और गांव-गांव में पानी दीजिए। नल लगा के थोड़ी होते हैं, मोदी सरकार ने घर घर में पानी के नल लगा रखे हैं, बट लोगों को पानी पहुँच ही नहीं रहा है, लोगों को दूर दूर जाना पड़ रहा है, पानी ढोल के लेके आना पड़ रहा है। एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों आप लोगों को मैं, आजकल पहाड़ों में खेती बंजर है, लोग खेती नहीं करना चाहते हैं, बाहर चले जा रहे हैं, क्यों? उसका कारण है खेती करने के बावजूद भी लोगों को खरीद के खाना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, मेहनत पूरी लगती है, बैल जोतने पड़ते हैं, गुड़ाई करनी पड़ती है, एक दो बार गुड़ाई निराई करनी पड़ती है, तो मेहनत करने के बावजूद भी खेतों से प्राप्त नहीं हो रहा है, खरीद के खा रहे तो क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा बंजर ही छोड़ दो। तो इसीलिए आजकल पहाड़ों की खेती बंजर है। तो दोस्तों आजकल आ चुका है कलयुग, जब हमारी फैमिली बड़ी थी तब हम कभी दुकान से लेके नहीं आते थे आटा, आजकल मम्मी और पापा हैं तब हम दुकान से खरीद के लेके आ रहे हैं आटा, क्या बात है, कलयुग आ चुका है बहुत ही बड़ा। तब हम 6 लोग थे फैमिली में, 2 बहनें 2 भाई और मम्मी और पापा, तब हमारा पूरा घर पे हो जाता था खाने के लिए, बट अब नहीं हो रहा है, क्यों? इसका कारण आजकल हमको क्यों खरीद के खाना पड़ रहा है, आजकल जो मम्मी और पापा हैं तब जो दुकान से खरीद के लेके आ रहे हैं। तो पहले दोस्तों लोगों के घर में खाने के लिए हो जाता था, बट आजकल लोग खरीद के लेके आ रहे हैं दुकान से, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए फिर ताई जी से पूछते हैं। तरु तरु और मोहर बे रही ऊँ इस गोड़ हुए आई गोड़ हुए बोरी मोहर ही ऊँ 9-10 जनी परिवार ही मोल न दन ही हैं अब दे नू मोहर न रोय हैं पर पीछों थे लू नी कुछ कभी पीछू न लू ही कि समय आयो शो क्यों उतर गोड़ यो दियो बिना मणि घूँ बोट हूँ ना होद भराल होल मीन बे के नदर हो रा रा दिन दिन का पौर ही क्यों कनु ये दार में रह बे कनु उचान मुनान उचे ला रूं पे बे सुरो मैं खाली को ये जोड़े न बो ये मुहरो क्यों कनु खाली परेशानी है कि बे बुद्धी के ना है कि रोन जाओ 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 कोई मिले मी बीमार में भाई और ये गुनान पीनो हमी न जाना पाप ने जने निदान ये शिंग मो हुरे रहे बोरी मो हुरु ही क्यों कनु ये वे नमला बारिश न बे क्या जो इमा खादा जो जल गो के भयना। कल मिलते हैं आपको दूसरी ऐसी एक वीडियो के साथ, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं गीता बिल्कुल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।